एक रेल हादसे के तहत बिहार की पटना मोकामा पैसेंजर ट्रेन के 6 डिब्बों में आग लग गई। आग की लपटें इतनी भयानक थी कि दूर दूर तक लपटें दिख रही थी। आग लगने से 6 डिब्बे धू धू कर जलने लगे, जिससे अफरा तफरी मच गई। मिली जानकारी के मुताबिक पटना से मोकामा जाने वाली पैसेंजर ट्रेन मोकामा में खड़ी थी। उस पर कोई यात्री अब तक सवार नहीं हुआ था। ट्रेन के खुलने का समय सुबह 5:30 बजे है। उससे ठीक पहले ट्रेन में आग लग गई और धू धू कर 6 बोगियां जलकर खाक हो गई। किसी के भी हताहत होने की सूचना यहां पर नहीं है। मिली जानकारी के मुताबिक जलती ट्रेन के बगल में खड़ी फास्ट पैसेंजर मेमू ट्रेन के भी 2 इंजन आग की चपेट में आ गए हैं और वो भी पूरी तरह जलकर खाक हो गए हैं। रेलवे कर्मचारियों की सूचना पर दमकल की टीमें घटनास्थल पर पहुंची और आग पर काबू पाया। ये ट्रेन रोज मोकामा से पटना जाती है और जाने के लिए ट्रेन शंटिंग लाइन पर खड़ी थी, तभी ये आग लग गई। घटना के बाद डीआरएम ने कहा कि कुछ असामाजिक तत्वों ने ट्रेन में आग लगाई है और इसकी जांच की जाएगी।